हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वायरल ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बकरा ईद स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट करके बताने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है निविया की क्रीम और इसे मैं एज अ बेस और एज अ मॉइस्चराइजर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और इसे अच्छी तरीके से अपने हाथों की हेल्प से अपने पूरे चेहरे पर लगा लूँगी। देन फ्रेंड्स, मैं अपने चेहरे पर यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। मैंने फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है और बीबी क्रीम जो होती है पोन्स की, वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगी। देन मैं इसे अप्लाई करने के बाद अपने हाथों की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं अपने फेस मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है अपने पूरे फेस पर। देन फ्रेंड्स, हमारे फेस को बिल्कुल ही लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ स्पिन्स का बेबी पाउडर। इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम लगाने के बाद। अगर आप इस तरीके से अपने फेस को पैक करेंगे तो आपका जो मेकअप होता है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है और फ्रेंड्स, इससे मेरा जो मेकअप है वो बिल्कुल केकी भी नहीं लगेगा। तो मैं इस पाउडर को अच्छी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो या फिर आप किसी ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। देन फ्रेंड्स, मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए एक ब्लैक काजल ले रही हूँ। आप चाहें तो ब्राउन शेड भी ले सकते हैं, मुझे ब्लैक काजल ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ब्लैक काजल से अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ अपने आईलैशेस पे मस्करा। एंड मस्करा फ्रेंड्स, हमारी जो आईलैशेस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देता है, उससे हमारी जो आईलैशेस हैं बहुत ही ज़्यादा गहरी लगने लगती है। तो मैंने ब्लू हेवन का मस्करा यूज़ किया है, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। अंडर 50 रुपीज़ में ये आपको ईजिली मिल जाएगा, किसी भी लोकल शॉप पर ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं मस्करा की हेल्प से अपने आईलैशेस को वॉल्यूमनाइज कर दूँगी। देन फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक लाइट कलर का लिप लाइनर। इससे मैं अपने आउटर क्रीज पर इसे इस तरीके से अप्लाई करूंगी एक ट्रांजिशन शेड देने के लिए। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूं, सो मैं इसे एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूं। इसे अप्लाई करने के बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। अब जितना अच्छी तरीके से स्मूथली ब्रश घुमाओगे फ्रेंड्स, उतना ही आपका जो आई बेस मेकअप होगा वो बहुत ही क्लियरली होगा। देन फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन की ग्रीन काजल और उसे मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं काजल से ही इसका जो आई लुक है वो क्रिएट करने वाली हूँ। तो काजल अप्लाई कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से डार्कर शेड में। एंड देन फ्रेंड्स, उसे भी मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये शेड मेरी जो ड्रेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था तो मैंने ये शेड लिया है। देन मैंने लिया है ब्लू कलर का काजल, ये भी ब्लू हेवन का है। एंड इसे मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई करके एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन फ्रेंड्स, मैंने लिया है एक गोल्डन शेड और उसे मैं इधर साइड इनर कॉर्नर की तरफ अप्लाई करूँगी। देन फ्रेंड्स, मैंने ली है पिंक कलर की लिपस्टिक और उसे मैं अपने आउटलाइन पर अप्लाई करूँगी इस तरीके से। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स, मैं अपने आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। ब्लू हेवन की जो आईलाइनर होता है उससे मैं ड्रॉ कर लूँगी। इससे मैं कैट आइज़ क्रिएट कर रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके विंग टाइप मैंने थोड़ा सा क्रिएट किया है। एंड देन मैंने फिर से गोल्डन शेड लिया है और उसे मैं इधर कॉर्नर की तरफ अप्लाई करूँगी। इससे हमारा जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ कर आएगा। एंड मैं अब ब्लैक काजल लिया है मैंने और उसे मैं अंडर आई में अप्लाई करूँगी। एंड फ्रेंड्स, अब मैंने लिया है एक सिल्वर कलर का लाइनर और उसे मैं इस तरीके से हमने जहाँ पर ब्लैक काजल अप्लाई किया था जस्ट उसके नीचे मैं अप्लाई करूँगी, जिससे कि ये जो हमारा लाइनर है वो हाईलाइट हो जाए। अब मैंने लिए फ्रेंड्स कोको कलर की ये लिपस्टिक और इससे मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। तो फ्रेंड्स, कॉन्टोरिंग के लिए मैंने अपने फोरहेड, नोज़ पर सब जगह कॉन्टोर किया है ताकि मेरा फेस स्लिम लगे, नोज़ भी स्लिम लगे। अब मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। एंड फ्रेंड्स, मैंने पिंक लिपस्टिक फिर से ली है एज अ ब्लश एंड इसे भी मैं अच्छी तरीके से लगाने के बाद ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि हमारा जो लुक है वो बिल्कुल ही नेचुरल लगे। अब फ्रेंड्स, मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। आप हाइलाइटर कोई भी ले सकते हैं, रोजी हाइलाइटर भी काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा, लेकिन मैंने सिल्वर हाइलाइटर लिया है अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। मैं अपने नोज को, अपने चीक बोन्स को, अपने फोरहेड को और अपने जो चिन होता है वहाँ पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं फ्रेंड ग्लैम अप मेकअप कर रही हूँ ईद स्पेशल के लिए तो हाइलाइटर तो करना बनता है। तो फ्रेंड्स, मैंने हाईलाइटिंग करने के बाद में अब लिया है एक लिप लाइनर और इससे ही मैं अपने
लिप्स को अच्छे से फील करूँगी। फ्रेंड्स, लाइट कलर की लिपस्टिक जो है वो इस मेकअप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट होने वाली है, तो मैंने यही शेड लिया है। अब मैं इससे फील कर लूँगी अपने लिप्स को, और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने अच्छी तरीके से अपने लिप्स को फील कर लिया है इस लिप लाइनर से। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक, ये है बकरा ईद स्पेशल और बिल्कुल अफोर्डेबल लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और बहुत ही ज़्यादा ग्लैम लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कोई भी न्यू वीडियो चाहिए हो। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।